हेलो भाई, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बिहार डेली इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो गया है, तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, रिजल्ट को कैसे देखना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक तक देखिए। इस वीडियो का हम स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस आपको हम बतलाने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम लाइव चेकिंग करते हैं और स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके दिखलाते हैं। तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में। फिर यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है फास्ट जॉब, इस तरह का लिखकर आपको सर्च मारना है। आप फिर जैसे ही सर्च मारते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। फिर यहाँ पर एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा फास्ट जॉब सर्च का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर फास्ट जॉब सर्च का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आता है। फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका लिंक जो दिया गया है बिहार DLD रिजल्ट 2023 आउट, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जब फिर से इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर से आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, एकदम आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिंक है जो दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है डाउनलोड ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, यहाँ पर जो इसका लिंक है जो दिया गया है, क्लिक हियर टू डाउनलोड ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल कर आता है। फिर यहाँ पर आ जाना है नीचे और फिर यहाँ पर है जो इस बॉक्स में अपना एप्लीकेशन आईडी डाल देना है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो डाल देना है इस तरह का, यहाँ पर यानी कि डेट ऑफ बर्थ इस तरह का डालना है, जैसे कि हमारा हो गया, यहाँ पर ऐसे डाल देना है। इस तरह का है जो आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी जो डाल देना है यानी कि एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है। और फिर डालने के बाद फिर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए हम एक स्टूडेंट का हम चेक कर लेते हैं डालकर। तो आपको यहाँ पर इस तरह यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है जो इस स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसका लिंक जो ऊपर दिया गया है डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट रिजल्ट, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका रिजल्ट जो प्रिंट हो जाएगा यानी कि स्कोर कार्ड आपका जो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।